राजधानी रायपुर स्थित महामाया मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। लोगों का मानना है कि महामाया मंदिर का निर्माण खास तांत्रिक विधि से राजा मोरध्वज ने कराया था। हालांकि इतिहासकारों का मानना कुछ अलग है। इतिहासकार प्रोफेसर एलएस निगम बताते हैं कि रायपुर स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कलचूरी राजाओं के समय में कराया गया है, जिनका समय लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास रहा है। मंदिर की बनावट ऐसी है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। यहाँ मौजूद माता चमत्कारी है, जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है और दुखियों के दुख दूर करती है। मंदिर के बारे में सबसे अनोखी और चमत्कारी बात सूर्य देव से जुड़ी हुई है। चैत्र नवरात्रि में भगवान सूर्य स्वयं मां महामाया के पैर पखारते हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें मां महामाया के गर्भगृह में उनके चरणों को स्पर्श करती हैं। मंदिर की डिजाइन से यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि प्रतिमा तक सूर्य की किरणें पहुँचती कैसी होंगी। मंदिर के गुंबद के आकार में श्री यंत्र है। ऐसे में पौराणिक मान्यता है कि मंदिर के साथ दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। मंदिर के पुजारी मनोज शुक्ला ने बताया कि प्रकृति के बदलते स्वरूप के साथ आज बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी चैत्र नवरात्रि में भगवान सूर्य मां महामाया के चरण पखारते हैं। एक बार राजा मोरध्वज सेना के साथ खारून नदी तट पर पहुंचे थे। यहां उन्हें मां महामाया की प्रतिमा दिखाई दी। राजा करीब पहुंचे तो उन्हें सुनाई दिया कि माँ उनसे कुछ कह रही है। माँ ने कहा कि वे रायपुर नगर के लोगों के बीच रहना चाहती हैं, इसके लिए मंदिर तैयार किया जाए। राजा ने माता के आदेश का पालन करते हुए पुरानी बस्ती में मंदिर तैयार करवाया। माँ ने राजा से कहा कि वह उनके प्रतिमा को अपने कंधे पर रखकर मंदिर तक ले जाएं। रास्ते में प्रतिमा को कहीं न रखें और अगर प्रतिमा को कहीं रखा जाता है तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगी। राजा ने मंदिर पहुंचने तक प्रतिमा को कहीं नहीं रखा, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने के बाद वे मां की बात भूल गया और जहां स्थापित किया जाना था उसके पहले ही एक चबूतरे पर रख दिया। बस प्रतिमा वहीं स्थापित हो गई। राजा ने प्रतिमा को उठाकर निर्धारित जगह पर रखने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। प्रतिमा को रखने के लिए जो जगह बनाई गई थी वह कुछ ऊंचे स्थान पर थी, इसी वजह से मां की प्रतिमा चौखट से तिरछी दिखाई पड़ती है। मंदिर से जुड़ा इतिहास प्रमाणित है। इस पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने कई रिसर्च किए हैं। शासन के पुरातत्व विभाग ने मंदिर के इतिहास को प्रमाणित किया है। मंदिर के इतिहास पर सबसे पहले 1977 में महामाया महत्तम नामक किताब लिखी गई। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने 1996 में इसका संशोधित अंग प्रकाशित करवाया। 2012 में मंदिर की ओर से प्रकाशित की गई रायपुर का वैभव श्री महामाया देवी मंदिर को इतिहासकारों ने प्रमाणित किया। सभी किंवदंतियों और जनश्रुति का उल्लेख प्रमाणित किताबों में मिलता है। TCP 24 न्यूज़ के लिए महेंद्र साहू की रिपोर्ट।